हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास प्लस वन केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके हम ऑलरेडी जो है वो 110 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 111 क्वेश्चन नंबर से। अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप चैनल पे जाके उनको देख सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है वो हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर टॉपिक क्वांटम नंबर के ऊपर बेस्ड है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 हमें क्या कह रहा है। स्टेटमेंट है हमारे पास, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सीजियम इज, हमें सीजियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है। मतलब कि हमें एम की वैल्यू बतानी है सीजियम के लिए। सीजियम क्या होता है, सीजियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 55। इससे पहले हमारे पास एक जिनोन आती है, जिसका हमारा एटॉमिक नंबर होता है 54। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एंटर करेगा 55, वो करेगा 6x1 के अंदर। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी सीजियम के लिए वो होती है 6s1, और यहाँ पे n की वैल्यू होगी 6। मैं सभी वैल्यूज लिख देता हूँ, लेकिन हमसे पूछी सिर्फ m की ही वैल्यू हुई है। और l की वैल्यू यहाँ पे क्या है, क्योंकि s ऑर्बिटल है, और s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 0 होती है। और m की वैल्यू, l जब 0 होता है तो m की वैल्यू भी जो है वो 0 होती है, और m की वैल्यू ही हमसे पूछी जा रही थी। तो इसके लिए m की वैल्यू होगी 0। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट है। 111 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी 0 जो है वो राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरीन, हमें क्लोरीन के अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए सभी 4 के 4 क्वांटम नंबर की जो है वो वैल्यू बतानी है। जो हमारा क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 17। तो इसकी जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आती है वो होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 2, 4, 10, 12, 12, 5, 17। तो यहाँ पे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा। p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये वाला जो है वो अनपेड रह गया। अनपेड के लिए ही हमसे जो है वो वैल्यू पूछी जा रही थी। तो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, 3 के अंदर है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी 3। उसके बाद p है, p के लिए l की वैल्यू क्या आती है, l इज इक्वल टू 0 होता है हमारा s के लिए, l इज इक्वल टू 1 होता है हमारा p के लिए। तो यहाँ पे p है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर l की वैल्यू 1 है तो इसके लिए m की वैल्यूज क्या क्या होती है, -1, 0 एंड +1। और इसके साथ ही हमारा जो s हो जाएगा वो या तो ½+½ हो सकता है या फिर -½ हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी जो है वो हमारे s की वैल्यू हो सकती है। अब देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। n इज इक्वल टू 2 नहीं है, हमारे पास n इज इक्वल टू 3 आएगा। तो पहले दो ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे l की वैल्यू 0 है। l की वैल्यू 0 कब होती है, जब s ऑर्बिटल होता है, लेकिन हमारे पास p ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू 1 होगी। तो ऑप्शन सी ही इसके लिए राइट ऑप्शन होगा हमारे पास। नेक्स्ट है 113, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट परमिटिबल। परमिटिबल मतलब कि पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो पॉसिबल नहीं है, मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम कैसे देखते हैं, हमें देखना होता है n की वैल्यू। तो हमारे पास प्रिंसिपल 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम जो चेक करते हैं वो l की वैल्यू से चेक करते हैं। जो l की वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होके n-1 तक जाती है, मतलब कि l की वैल्यू जो है वो 0 से लेके n से एक छोटी होती है। उसके बाद जो m की वैल्यू होती है वो -l से लेके +l तक जो है वो जाती है। तो हमें देखना है यहाँ पे इसमें से कौन सा रूल यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो फर्स्ट वाले में n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू भी 3 ही दे रखी है, और हमें पता है कि जो l की वैल्यू होती है वो हमेशा n से एक छोटी होती है। मतलब कि इसके लिए 0 भी पॉसिबल था, 1 भी पॉसिबल था, और 2 भी पॉसिबल था, लेकिन 3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि l जो है वो कभी की n के बराबर नहीं हो सकता, इससे हमेशा एक छोटा रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही होगा, ये वाला जो है वो परमिसिबल नहीं है। बाकी सब में देखिए l की वैल्यू जो है वो n से छोटी ही गिवन है, तो बाकी सारे जो है परमिसिबल होंगे, लेकिन पहले वाला परमिसिबल नहीं है, क्योंकि n और l की वैल्यू दोनों की सेम नहीं हो सकती है। l हमेशा एक छोटा होना चाहिए हमारे n से। नेक्स्ट है 114 क्वेश्चन, द जेड कॉम्पोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गिवन बाय। जेड कॉम्पोनेंट जो है वो एंगुलर मोमेंटम का, वो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के द्वारा दिया जाता है। तो 114
114 के लिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। जेड कंपोनेंट पूछ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम का, इलेक्ट्रॉन का किस अटोमिक ऑर्बिटल के अंदर, तो अटोमिक ऑर्बिटल्स की जो ज्यादातर इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद है 115 क्वेश्चन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज गिवन बाय, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास होता है L इज इक्वल टू होता है हमारा रूट ऑफ L इंटू एल प्लस वन इंटू एच ओवर 2π। ये हमारे पास होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। ये देख लेते हैं कहां पे लिखा होता है, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रूट ऑफ L इंटू एल प्लस वन इंटू एच ओवर 2π। तो 115 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116, टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश बाय, दो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मिलने वाले उनको कैसे अलग कर सकते हैं। हमारे पास एक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है जो कि हमें यह कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मिलने वाले दो इलेक्ट्रॉन्स के पास चारों के चार क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। हो सकता है दो इलेक्ट्रॉन के पास तीन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो लेकिन चौथा क्वांटम नंबर जो है वो हमेशा वेरी करता है। मतलब कि अगर किसी ऑर्बिटल में, मान लो कि ऐसा कोई ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में तीन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू, l की वैल्यू और m की वैल्यू सेम हो सकती है, इनके लिए वैल्यू सेम होगी लेकिन s की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी, या एक की प्लस हाफ होगी और दूसरे की जो है वो माइनस हाफ होगी। तो हम इस इन दो इलेक्ट्रॉन्स को किसी ऑर्बिटल के अंदर इन तीनों क्वांटम नंबर के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि इन तीनों की वैल्यू सेम होती है, लेकिन हम स्पिन क्वांटम नंबर की हेल्प से उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि दोनों की अलग अलग होती है। तो इसका ऑप्शन होगा स्पिन क्वांटम नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट होगा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पास तीन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो सकती है लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स की सेम नहीं हो सकती एक सिंगल ऑर्बिटल के अंदर। एक सिंगल ऑर्बिटल के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उन दोनों के पास जो है वो अलग अलग स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, एक के पास प्लस हाफ होगी और एक के पास माइनस हाफ होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 117 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल इज इक्वल टू, हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, हमें जो है वो सबशेल्स के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं। तो इसको आप पहले आप करके मैं आपको एक रिलेशन बना के दिखाता हूं। अगर हमारे पास एस है, एस के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक होते हैं। अगर हमारे पास पी है, पी के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी के पास हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, और एस के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो जीरो होती है और पी के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो वन होती है। अगर हम डी में चले तो डी के लिए एल की वैल्यू टू हो जाती है और इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने होते हैं, सॉरी इसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, इसके अंदर ऑर्बिटल्स हमारे पास पांच होते हैं, एक दो तीन चार पांच ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अब हम एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। रिलेशन क्या बनेगा, अगर हम कर ले 2l प्लस वन, यहाँ पे l की वैल्यू जीरो पुट करो तो ये हो जाएगा 2 इंटू जीरो प्लस वन इक्वल टू वन। एल जब जीरो था तो एक ही ऑर्बिटल आएगा, अगर l की वैल्यू हम वन पुट कर देंगे तो हमारे पास 2 इंटू वन टू, 2 प्लस वन 3 आ जाएगा। तो हमारे पास P में भी 3 ही है। अगर हम L की वैल्यू को 2 पुट कर दें, 2 इंटू टू प्लस वन, 2 इंटू टू 4, 4 प्लस वन 5, तो ये हमारे पास पांच ही होते हैं। तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करने का, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल, अगर सबशेल के अंदर हमें ऑर्बिटल्स बताने हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2l प्लस वन। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा, 2l प्लस वन। अगर हमें किसी सबशेल के अंदर, अगर मेन शेल के अंदर पूछा होता, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल पूछा होता तो हमारे पास ऑप्शन ए होता है, एन का स्क्वेयर। अगर शेल के अंदर पूछा होता है तो मेन शेल, मेन एनर्जी शेल के अंदर पूछा हो तो एन स्क्वेयर होता है। अगर हमारे पास सब शेल के अंदर पूछा गया तो वो हमारे पास 2l प्लस वन होता है। वो मैंने करके दिखाया कि ये जो है वो सब पे सेटिस्फाइड होता है, तो 2l प्लस वन जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देता है किसी सब शेल के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास 118 क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द स्पिन क्वांटम नंबर इज माइनस हाफ। बोल रहे हैं कि 4f के अंदर मैक्सिमम इतने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जिनकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो माइनस हाफ हो। हमें f के बारे में पता है कि f के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, f के अंदर हमारे पास टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब बोल रहे हैं कि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम कब होगा, जब ये सारे भरे हों,
इन सभी की जो है वो स्पिनिंग क्वांटम नंबर की वैल्यू माइनस हाफ लगा लो या प्लस हाफ लगा लो, इन सभी की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात के साथ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी जो है वो सेम स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, प्लस हाफ लगा लो या माइनस हाफ। माइनस हाफ वाले भी हमारे पास है जो होंगे वो 7 होंगे और प्लस हाफ वाले भी हमारे पास जो है वो दोनों 7 होंगे। माइनस हाफ वाले भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ होंगे और 7 इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ होंगे। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। मैक्सिमम हम 4f के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर सकते हैं जिनके पास सेम क्वांटम नंबर की वैल्यू हो, माइनस हाफ लगा लो या प्लस हाफ लगा लो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। स्टेटमेंट है हमारे पास, फॉर अ गिवन प्रिंसिपल प्रिंसिपल लेवल n इज इक्वल टू 4, द एनर्जीज ऑफ इट्स सबशेल आर इन द ऑर्डर। हमें n इज इक्वल टू 4 के लिए एनर्जीज का ऑर्डर लिखना है कि क्या होगा, मतलब कि ये पूछ रहे हैं 4 n इज इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबल होगा। हमारे पास n इज इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा और 4f भी होगा। हमें बताना है कि किसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम या एनर्जीज का ऑर्डर बताना है। वो हम कैसे देखते हैं, वो हम चेक करते हैं n प्लस l के लिए। तो अगर हम इसको देखें तो s l की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो s के लिए जो होगा वो होगा 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। अगर हम p के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट अगर हम d के लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। f के लिए जाएंगे तो f के लिए हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास जितनी इनकी वैल्यू कम होती है, n प्लस l की वैल्यू जितनी कम होती है उतना हमारी जो है वो एनर्जीज कम होती है। तो इसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम एनर्जी होगी s की, उसके बाद p की, उसके बाद d की और उसके बाद हमारे पास f की। s p d f। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 119 के लिए राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 120। विच ऑफ द फॉलोइंग केस द डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट। डीजेनरेसी का मतलब होता है ऑर्बिटल्स का अलग अलग हो जाना, स्प्लिट हो जाना, और हमें पता है कि s के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसके अंदर डीजेनरेसी का कोई चांस ही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। बाकी p में भी डीजेनरेसी होती है, 3 में डिवाइड हो जाता है, d में भी डीजेनरेसी होती है, 5 में डिवाइड होता है, f में भी जो है वो डीजेनरेसी होती है, वो 7 में डिवाइड हो जाता है, और आगे 7 एनर्जी लेवल्स बनते हैं। f के केस में यहाँ 5 बनते हैं, यहाँ 3 बनते हैं, लेकिन s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, तो वो डीजेनरेसी नहीं होती है। तो 120 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है द n प्लस l रूल। n प्लस l वैल्यू ऑफ 3D एनर्जी लेवल इज, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, d के लिए जो हमारे पास l की वैल्यू होती है s p d 0 1 2, तो l की वैल्यू 2 होगी, 3 प्लस 2 5। तो ऑप्शन नंबर a जो है वो इसके लिए राइट होगा। 121 के लिए ऑप्शन नंबर a जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास 122 क्वेश्चन। द पॉसिबल सबशेल इन n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या क्या पॉसिबल है। n इज इक्वल टू 3 के लिए मतलब कि l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d। तो s p d जो है वो सब कुछ पॉसिबल है, f पॉसिबल नहीं होगा। तो s p d ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट होगा 122 के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 123। द करेक्ट रिलेशन करेक्ट एक्सप्रेशन ड्राइव्ड फॉर द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth एनर्जी लेवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा। तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो माइनस में होता है, पहले वाला तो जो है वो प्लस में गिवन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो हमारे पास अब 3 ऑप्शंस बचते हैं जिनमें से होगा। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन में नीचे n का स्क्वायर होता है, तो ये वाला भी नहीं होता। तो 2 बचे हैं, अब हमें इन दोनों में से बताना है। और जो हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है उसमें चार्ज की पावर 4 होती है, लेकिन यहाँ पे चार्ज की पावर 2 है, तो ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। 123 के लिए जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो होता है -2π² mE^4 / n² h² दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 124। द वैल्यू ऑफ एजीमिथल क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन
फोर पी हमें जो है वो एजीमथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पूछ रहे हैं, मतलब कि एजीमथल क्वांटम नंबर होता है एल, पी के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो होती है वन, तो 124 के लिए ऑप्शन नंबर वन जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास द क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एलिमेंट गिवन बिलो, जो इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यूज है वो हमें गिवन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, हमें बताना है कि वो कौन सा एटम होगा। अगर n इज इक्वल टू 2 है, हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है, हमारे पास वैल्यूज है n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू हाफ। तो ये हमारे पास क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है, n 2 है मतलब कि ये 2 होगा, l 0 मतलब कि ये s होगा, तो ये 2s है। यहां से पता लग रहा है कि उसमें सिर्फ एक ही है, तो ये 2s1 है, इससे पहले क्या रहा होगा, इसके पहले रहा होगा 1s2, तो 2+1 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 3, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो ये कौन सा एटम है, ये हमारे पास है लिथियम एटम, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 125 के लिए आंसर होगा हमारा ए लिथियम। नेक्स्ट है हमारा 126 क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन एटम कैन हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी एटम के अंदर जिसके पास ये वाले क्वांटम नंबर्स की जो है वो वैल्यूज होगी, क्योंकि स्पिन जो है वो हमारे पास माइनस हाफ दिया, और उसके बाद हमें बोला गया कि एम की वैल्यू भी फिक्स कर दी, एम की वैल्यू प्लस टू वाला, तो एम की वैल्यू के लिए एम की वैल्यू प्लस टू सिर्फ एक ही ऑर्बिटल के लिए होगी, और आगे उन्होंने बोल दिया कि उसकी स्पिन भी माइनस हाफ होनी चाहिए, और एक ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही ऐसा ऑर्बिटल होगा जिसकी स्पिन जो होगी वो माइनस हाफ होगी, तो 126 के लिए आंसर हमारा ए होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि m की वैल्यू देने से उन्होंने ऑर्बिटल जो है वो फिक्स कर दिया, m इज इक्वल टू प्लस टू जो है वो, अगर मैं करके दिखाऊं, ये वैसे d को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू, टोटल पांच ऑर्बिटल बनते हैं, और हर के लिए जो है वो एक एक वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, प्लस टू के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक प्लस हाफ के साथ एक माइनस हाफ के साथ, उन्होंने बोला था कि उसकी स्पिन भी जो है वो माइनस हाफ है, तो ऐसा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसके लिए सही होगा। अगर ये एस वाली चीज ना दी होती, सिर्फ इतना दिया होता, तो हमारा आंसर होता दो इलेक्ट्रॉन ऐसे उसमें उस ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव एन इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 2 और एम इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखो इन्होंने एस की वैल्यू जो है वो नहीं दी है, अब इन्होंने क्या किया, एन की वैल्यू दे दी और एम की वैल्यू को फिक्स कर दिया, अब ऐसा सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा जिसके पास एम इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए भी सही होगा, दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि इसमें स्पिन की बात नहीं की, अगर इसमें एक स्पिन दे देते कि उसकी हाफ है कि माइनस हाफ है तो वन आता, लेकिन यहां पे स्पिन नहीं दिया तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा टू इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 128, इफ द क्वांटम नंबर फॉर द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इन एन कार्बन एटम आर 2, 1, 1 and +1/2, then for the sixth electron these values would be, बोल रहे हैं कि पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए ये है और छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी, कार्बन के केस में, कार्बन का क्या होता है, कार्बन में हमारे पास 1s2, 2s2 और 2p, कार्बन का हमारे पास एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है, उसके पास हमारी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है 1s2, 2s2, 2p2, तो हमारा पास जो है 2p में दो है, यहाँ पे हमारा पांचवा इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ पे हमारे पास छठवां इलेक्ट्रॉन आया, तो छठवें इलेक्ट्रॉन भी जो है वो 2p में ही एंटर किया, तो n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, और m की वैल्यू हमारे पास क्योंकि ये दूसरे में चला गया तो ये 0 होगी m की वैल्यू, और s की वैल्यू जो है वो प्लस हाफ भी हो सकती है और माइनस हाफ भी हो सकती है, तो इसके लिए 2 यहाँ पे 1 पॉसिबल नहीं, सॉरी हमें 2p में बताना है, और l के लिए जो है वो 1 की वैल्यू, p के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर ए 128 के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डज नॉट मेक सेंस, कौन सा ऑर्बिटल जो है वो पॉसिबल नहीं है, 3d पॉसिबल है, 5p भी पॉसिबल है, 7s भी पॉसिबल है, लेकिन 3f पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 3 है और f के लिए जो l की वैल्यू होती है वो भी 3 है, और n जो है वो कभी भी l के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो क्वेश्चन नंबर 129 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा, 3f जो है वो कोई भी सेंस नहीं बना रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 130,
क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन हैव एन इज इक्वल टू 4 एंड एल इज इक्वल टू 2। एन इज इक्वल टू 4 और एल इज इक्वल टू 2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब एल इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 2 कब होता है, जब हमारा ऑर्बिटल एस पी डी होता है। डी के लिए जो है ये एल की वैल्यू 2 होती है, और डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 5 इंटू 2 करेंगे 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एल इज इक्वल टू 2 के लिए। तो 130 के लिए जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एल इज इक्वल टू 2 जो है वो डी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है और डी में टोटल 5 होते हैं और 5 हर में 2 2 जाएंगे तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 131, विच शेल वुड बी द फर्स्ट टू हैव अ जी सबशेल। सबसे पहले कौन सी ऐसी एन की वैल्यू होगी जिसके लिए जी जो है वो पॉसिबल है, तो हमारे पास एल, हमारे पास है एस पी डी एफ जी, यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, और L की वैल्यू जो है वो N से हमेशा एक छोटी होती है, तो कम से कम 5 होना चाहिए, N की वैल्यू कम से कम 5 होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसके लिए राइट होगा। 131 के लिए ऑप्शन नंबर बी, क्यों, क्योंकि जो है वो जी तभी पॉसिबल है जब एल की वैल्यू 4 होती है, और हमें पता है कि एल जो है वो हमेशा एन से कम एक छोटा तो होता ही होता है, तो अगर एन 5 होगा तभी एल की वैल्यू जो है वो 4 पॉसिबल है। इन्होंने सबसे पहला पूछा था, वैसे 4 को छोड़ के बाकी सबके लिए होगा, 5 के लिए भी होगा, 6 के लिए भी होगा, 7 के लिए भी होगा, लेकिन उन्होंने फर्स्ट पूछा था तो पहली बार जी जो है वो 5th पे ही जाके आएगा, उसके बाद 6th पे भी आएगा, 7th पे भी आएगा, लेकिन फर्स्ट का पूछा गया था इसलिए ऑप्शन जो है वो 5th आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 132, इफ द वैल्यू ऑफ एजीमथल क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम इज नॉट पॉसिबल। बोल रहे हैं कि अगर एल की वैल्यू जो है वो 2 है तो इनमें से कौन सी पॉसिबल नहीं है एम के लिए। एम की वैल्यू जो है वो माइनस एल से लेके प्लस एल तक जाती है, मतलब कि यहाँ पे एम की वैल्यू जो है वो माइनस 2 से लेके प्लस 2 तक जाएगी, तो 3 जो है वो आ ही नहीं सकती है, क्योंकि माइनस 2 से प्लस 2 तक के बीच की वैल्यूज रहेंगी, तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ एम हैज 7 वैल्यूज देन द एजीमथल क्वांटम नंबर विल बी। एम की वैल्यू 7, एम 7 जो होते हैं वो हमारे पास एफ में होते हैं, और एफ जो है वो एस के लिए, जो एफ के लिए जो एन एल की वैल्यू होती है वो 3 होती है, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा। हमसे बोल रहे हैं कि एम की वैल्यू 7 है, एम की वैल्यू 7 मतलब कि ये एफ सबशेल की बात कर रहे हैं, और एफ सबशेल के लिए जो हमारे पास एल की वैल्यू होती है वो 3 होनी चाहिए, तो यहाँ पे एल की वैल्यू 3 आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 134, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस पी एंड डी, इन तीनों में मिला के जो है वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस में 2 आएंगे, पी में जो है वो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और डी में हमारे पास जो है वो 10 आते हैं, तो 2 6 10 2 6 10, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट होगा। 134 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं इसके साथ ही। नेक्स्ट है हमारे पास शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, एन ऑर्बिटल विद एल इज इक्वल टू 0 इज सिमेट्रिकल अबाउट। जो एल इज इक्वल टू 0 होता है वो हमारे एस सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा एस सबशेल होता है वो सिमेट्रिकल होता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो 135 के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि वो गोल होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो सिमेट्रिकल होता है। द शेप ऑफ द ऑर्बिटल विद एल इज इक्वल टू वन हमारे पी के लिए, पी सबशेल के लिए होता है, और पी सबशेल की जो शेप होती है वो डम्बल शेप होती है, तो ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। 136 के लिए ऑप्शन नंबर बी डम्बल शेप। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द जेड एक्सिस। पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा है वो जेड एक्सिस के अराउंड जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होता, तो पी जेड भी होता है, डी जेड स्क्वेयर भी होता है, और एस भी होता है, हमारा रह गया एक्स जेड, ये वाला सिमेट्रिकल नहीं होता है एक्स जेड एक्सिस के, ये दोनों एक्सिस के बीच में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बतानी है, तो वो हमारा होगा पी जेड, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में बतानी थी, तो पी जेड इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 139, द फिगर गिवन बिलो इज रिप्रेजेंट द शेप ऑफ, ये किसकी शेप को बता रहा है, ये हमारा जो है ये डी डी
डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की वैल्यू को दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट होगा। ये शेप जो है वो डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की होती है, एक्सिस के ऊपर होती है ये वाला डंबल। तो 139 के लिए जो हमारा आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 140। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज अपीयरेंस लाइक अ बेबी सूथर, तो बेबी सूथर जैसी शेप जो होती है वो हमारी डी जेड स्क्वेयर की होती है। तो ऑप्शन नंबर 140 सॉरी क्वेश्चन नंबर 140 के लिए ऑप्शन जो है वो डी वाला सही होगा। इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल द साइन ऑफ लोब्स इंडिकेट, जो है वो लोब्स के साइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं साइन ऑफ वेव फंक्शन। तो 141 का हमारा ऑप्शन होगा सी, साइन ऑफ वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो। नेक्स्ट हमारे पास द नंबर ऑफ नोड्स इन द शेप ऑफ एन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू, जो नंबर ऑफ शेप्स होती हैं एस के अंदर वो एन से एक कम होती है, तो एन माइनस वन इसका फॉर्मूला होता है। 142 का हमारा ऑप्शन होगा सी, द नंबर ऑफ नोड्स इन द एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल के लिए जो नंबर ऑफ नोड्स होती हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होती है, मतलब कि एन माइनस वन। उसके बाद द नंबर ऑफ नोड्स इन द 4d ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल में हमें बतानी है, तो 4d ऑर्बिटल के लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स होंगी, d के लिए जो नंबर ऑफ नोड्स होती हैं वो होती है n माइनस थ्री होता है नंबर ऑफ नोड्स। अगर हम डी के लिए निकालना चाहते हैं तो वो होती है हमारे पास एन माइनस थ्री। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, फोर माइनस थ्री करेंगे तो वन आएगा। 143 का हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी है। हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स का अगर एस की निकालते हैं तो वो एन माइनस वन होता है, अगर हम पी के निकालते हैं तो एन माइनस टू होता है, अगर हम डी के निकालते हैं तो एन माइनस थ्री होता है, अगर हम एफ के निकालते हैं तो वो एन माइनस फोर होता है। नेक्स्ट हमारे पास द नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल्स, हमें बतानी है कि नंबर ऑफ नोड्स की शेप कैसी है। तो उनमें जो है वो एक स्फेरिकल होता है और एक प्लेनर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 144 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डू नॉट एग्जिस्ट, इसमें से कौन सा जो है वह एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डी एक्स स्क्र वाई स्क्र एग्जिस्ट करता है, लेकिन डी एक्स स्क्र जेड स्क्र एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ 2s इज, तो इसके पास कितना मैक्सिमम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है 2s के पास, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन है 2, तो इसके लिए 2 ही होती है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास द डी ऑर्बिटल हुज 4 लोब्स लाइज अलोंग द एक्सिस के अलोंग लाई करती है, तो वो होती है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक्सिस के ऊपर होती है सिर्फ इसी की, और एक जेड स्क्र की होती है वो सिर्फ हमारे जेड एक्सिस के ऊपर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास 3d ऑर्बिटल्स हैविंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑल द 3 एक्सिस, ऐसा ऑर्बिटल जिसकी तीनों के तीन डायरेक्शन में होती है, तो वो होता है हमारे पास 3d जेड स्क्वेयर। तो 148 के लिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द px ऑर्बिटल, इट इज 0 एट द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में जो है वो 0 है, न्यूक्लियस में जो है वो 0 है। नेक्स्ट है हमारे पास इज 0 ऑन द जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस पे 0 है, इट इज सेम ऑन ऑल द साइड्स अराउंड द न्यूक्लियस, चारों तरफ जो है वो सेम, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो यही वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी, क्योंकि इसका एक डंबल शेप होती है, तो ये किसी एक एक्सिस की तरफ जो है वो ज्यादा होगी, पी एक्स की बात करें तो वो पी एक्स की तरफ ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास, तो ऐसा नहीं है कि सभी तरफ जो है वो सेम होगी, क्योंकि सभी तरफ सेम जो है वो हमारे एस में होती है, लेकिन पी में जो है वो डायरेक्शनल बिहेवियर होता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। आज के लिए बस इतने, इसके साथ हमारे जो है वो 149 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।